अगर आप प्रतापगढ़ हब की वीडियोस अपने YouTube ऐप के होम स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए घंटे को दबाना ना भूलें। प्रताप बहादुर स्नातोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ सिटी में, इसकी स्थापना लेट राजा अजीत प्रताप सिंह ने किया था। उन्होंने अपने पितामह के नाम पे, स्वर्गीय राजा प्रताप बहादुर सिंह के नाम पे, इस महाविद्यालय की स्थापना किया 1964 में। ये महाविद्यालय राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से संबंध था, अब ये प्रयाग विश्वविद्यालय से इलाहाबाद से संबंधित हो गया है। और इसकी एक खासियत ये है कि इस जनपद में ग्रामीण अंचल के शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राएं, उनको हम बेहतर और अच्छी शिक्षा यहाँ पे उनको हम प्रदान करें। तो हम लोग की और हमारे पिताजी की और हमारे पितामह की, इन सब की ये वो रही है इच्छा कि इस महाविद्यालय को हम एक ऐसा रूप दें जिससे कि शिक्षा को बढ़ावा मिले। गुणवत्ता पे हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं, और यही वजह है कि आज यहाँ पे इसकी संख्या जो है वो काफ़ी अधिक है। हमारी लाइब्रेरी जो है उस जनपद में सभी महाविद्यालयों में से श्रेष्ठ है, जबकि इसमें लगभग 50,000 से ज़्यादा पुस्तकें यहाँ पे लाइब्रेरी में हैं। UGC की जो ग्रांट आती है उससे हम लोग यहाँ पे उन सुविधाओं को उठा के, उनसे लाभ उठा के छात्र छात्राओं को हम लोग प्रदान करते हैं। कंप्यूटर क्लासेस चला रहे हैं, अन्य कई कोर्सेज हम लोग UGC के चला रहे हैं, जो कि एजुकेशन ओरिएंटेड के साथ साथ जॉब ओरिएंटेड है वो, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराते हैं। समय समय पे हम लोग उसमें यहाँ पे छात्र छात्राओं का डिबेट भी कराते हैं। उसके बाद हम लोग बाहर के लोगों को यहाँ पे गेस्ट लेक्चर बना के यहाँ ले आते हैं, जिससे छात्राओं को एक्सपोजर होता है, उनको एक मौका मिलता है अपने विचार रखने का, दूसरों के विचार जानने का। स्पीक मैके का कार्यक्रम हम लोग करवाते हैं, जो कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस जनपद में सिर्फ एक प्रताप बहादुर स्नातोत्तर महाविद्यालय ही है जहाँ पे स्पीक मैके का बराबर कार्यक्रम चलता रहता है। महाविद्यालय प्रांगण में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ हमारे यहाँ बराबर उपलब्ध हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर को हम लोगों ने अपॉइंट कर रखा है। वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कहीं कोई इमरजेंसी में कोई बात पहुँच जाती है तो हमारे डॉक्टर उनको वहाँ पे फर्स्ट एड और जो उनकी तुरंत चिकित्सा की वो है उसको उपलब्ध कराते हैं। महाविद्यालय में लड़कियों को ग्रामीण अंचल से लाने के लिए हम लोगों ने अपनी यातायात, अपनी बस सेवा शुरू की है, उन्हीं के लिए खास तौर से, कि हमारी जो लड़कियां हैं वो अगर 20 किलोमीटर की दूरी से आ रही हैं तो उनके लिए हम लोगों ने बस सेवाएं उपलब्ध कराई हैं, जो कि निरंतर और बराबर चलती रहती हैं। जहां तक महाविद्यालय में जलपान की ज़रूरत को देखते हुए हम लोगों ने यहां पे कैंटीन सेवा भी आरम्भ की है। उस कैंटीन सेवा हमारे प्रांगण में है, हमारे छात्र छात्राओं के लिए हर समय जलपान की व्यवस्था उपलब्ध है। छात्र छात्राओं के साथ साथ हमारे जो स्टाफ हैं उनके लिए भी वो सुविधा उपलब्ध है। तो छात्र छात्राओं को देखते हुए हम लोगों ने उन सब सारी चीज़ों को यहाँ पे मुहैया कराया है, उपलब्ध कराया है, कि जिससे कि हमारे छात्र छात्राएं ये न समझें कि हम सिर्फ वहाँ पढ़ने जा रहे हैं। हम उनकी पूरी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड बराबर चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद रहते हैं, कभी बाहरी व्यक्तियों को हम लोग आने नहीं देते हैं। और यही वजह है कि हमारे यहाँ जो एक सबसे बड़ी सेवा जो हम लोगों ने यहाँ पर शुरू की है वो ये है कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं उनको हम लोग कैंपस में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने नहीं देते हैं। ये हम लोग की एक अपनी व्यवस्था है जो प्रिंसिपल साहब ने लागू किया है, डॉक्टर साहब ने लागू किया है, बड़े सख्ती से हम लोग इसको लागू करते हैं। महाविद्यालय प्रांगण में इसके साथ ही हम लोग का हॉस्टल चल रहा है, उसमें भी हम लोग की सारी व्यवस्था है छात्राओं के रुकने के लिए, और उसमें हम लोगों ने उनके भोजन की भी व्यवस्था की है, जिसमें उसमें कैंटीन सेवाएँ चल रही हैं। तो ये सुविधाएँ हम लोगों ने अपने छात्रों के लिए उपलब्ध कराई है कि छात्र जो हमारे हॉस्टल में रह रहे हैं वहीं पर वो अपनी भोजन की भी व्यवस्था उनके लिए हम लोगों ने किया है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारे प्रांगण में एक ATM की भी व्यवस्था की गई है, वो OBC बैंक की तरफ से,
वो 24 घंटे उपलब्ध रहती है, उसमें चाहे हमारे स्टाफ के लोग चाहे हमारे छात्र छात्राएं जो हैं वो कभी भी उसमें से अपना जब वो शिक्षा ग्रहण करने आते हैं पढ़ाई के दरमियान कॉलेज आवर्स में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलेज आवर्स के बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग खेल पे बहुत जोर देते हैं और यही वजह है कि हमारे बच्चे चाहे वो जनपद स्तर पे हो चाहे विश्वविद्यालय स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो, हमारे बच्चे बहुत अच्छा करके अपना नाम कमा रहे हैं और उनका अपना एक स्थान बन रहा है जो कि इस जनपद के लिए भी गौरव है, महाविद्यालय के लिए भी गौरव है। और हम लोग का ये प्रयास ही नहीं है, अथक प्रयास है कि इन बच्चों को हम प्रोत्साहित करें और इनको बाहर जाने के लिए जो विभिन्न टूर्नामेंट में और जो विभिन्न चैम्पियनशिप में जहाँ ये पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम आने जाने की निःशुल्क हम लोग इनकी व्यवस्था करते हैं। और यही वजह है कि बच्चे हमारे यहाँ खेल स्पर्धा में बहुत आगे निकल के सिर्फ महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर पे ही नहीं लेकिन प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे एक अपना स्थान बना रहे हैं। महाविद्यालय में जो हमारे बच्चे मेरिटोरियस बच्चे हैं जो हमारे स्नातक स्नातोत्तर से लेके जो अपने में विभाग में स्थान प्राप्त करते हैं उच्च स्थान प्राप्त करते हैं उनको विश्वविद्यालय की तरफ से जो स्कॉलरशिप मिलती है उसके साथ साथ हम लोग अपने प्रबंधकीय व्यवस्था से और कोटे से हम लोग उन बच्चों को भी सम्मानित करते हैं स्कॉलरशिप से समय समय पे और हर साल करते हैं। जो हमारे बच्चे टॉप करते हैं चाहे बीए में करें चाहे एमए में करें चाहे बीएससी में करें एमएससी में करें उनको हम लोग ये स्कॉलरशिप दे के और उनको हम उत्साहित और प्रोत्साहित करते हैं। हमारी जैसा हमने बताया कि महाविद्यालय में हमारे 16 फैकल्टीज हैं, उन फैकल्टीज़ को हमने हर संसाधनों से उसको हमने उपयुक्त किया है और हमारी जो फैकल्टी के जो मेंबर्स हैं उनको देखते हुए हमने वो सारी चीज़ें वो वहाँ पे उपलब्ध कराई हैं कि हमारी फैकल्टी में किसी चीज़ की कमी न रहे। हमारे महाविद्यालय में जो फैकल्टीज़ हैं उनको हमने सारे फैकल्टीज़ को कंप्यूटर से हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा है, वाईफाई सिस्टम का हमने पूरे कॉलेज में व्यवस्था की है, फैकल्टी में भी की है। हमारे महाविद्यालय में जो विज्ञान वर्ग है उसमें चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे बॉटनी हो चाहे फिजिक्स हो इन सब की जो लैबें हैं वो हम लोगों ने बिल्कुल सुसज्जित कर रखी हैं, उसमें सारे जितने सामान हैं हर वक्त मौजूद रहते हैं, समय समय पर अगर कोई चीज़ नहीं है उसको हम लोग बराबर ये मॉनिटरिंग करते हैं कि वो सामान हमारे यहाँ रहे जिससे कि प्रैक्टिकल करने में बच्चों को दिक्कत ना आए। इन तमाम विषयों के अलावा इस महाविद्यालय में जो हम लोग खास जोर देते हैं और हम लोग दे रहे हैं वो ये है कि सामाजिक मुद्दों पे हम लोग जोर देते हैं समय समय पे, जैसे कि अभी राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान में हम लोगों ने बहुत इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। उसके बाद हमारे इस महाविद्यालय में हमारे जिलाधिकारी महोदय आए और मतदाता जागरूकता अभियान जो उन्होंने चला रखा है उसकी यहाँ पे गोष्ठी हुई थी। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो युवा वर्ग के जो मतदाता हैं वो ज़्यादा जागरूक हों, नए मतदाता जो जुड़े हैं, नए युवा छात्र छात्राएं जो जुड़े हैं जो पहली बार मतदान करेंगे उस पर भी हम लोग का जोर है कि उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बनाएं और उनको ये बताएं कि मतदान करना अनिवार्य है। तो इन मुद्दों को लेके हम लोग महाविद्यालय में समय समय पर गोष्ठी और विचार रखते हैं। उसके साथ साथ जो राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान है उसको भी हम लोग बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। पर्यावरण पे हम लोग का महाविद्यालय के बहुत बड़ा योगदान है और हम लोग समय समय पर पर्यावरण को भी बहुत जोर देते हैं कि यहाँ पे पर्यावरण हमारा जो नष्ट हो रहा है वो हम अपने बच्चों को अपने छात्र छात्राओं को समझाएं कि पर्यावरण खराब नहीं होना चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए, आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इसीलिए हम लोग समय समय पर अपने यहाँ पौधारोपण के लिए और ये पर्यावरण की दृष्टि से हम लोग पौधे भी जो हैं बच्चों से लगवाते हैं कि पर्यावरण हमारा बना रहे। तो इन सब को देखते हुए और भविष्य में जो भी और हमको ज़रूरी होगा हम लोग को काम करने के लिए उपलब्ध कराने के लिए कोई सेवाएं छात्र छात्राओं को हम लोग निरंतर उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे।